आपको क्या करना है, आसपास वालों को नहीं देखना है, आपको बस सामने देखना है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो आप वहाँ तक पहुँचे, वापस आएँ, जब वापस आ जाएँ तब देखें कि हाँ वॉट यू हैव अचीव्ड। सो दैट वॉज द सेम थिंग कि मैं सोचता था मैं बस अपना काम करता हूँ। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, initiated by Unacademy. Myself Dr. S.K. Singh, I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. मैं Unacademy पे एजुकेटर हूँ और मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं पिछले कई सालों में। आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 5 दीपक साहू, और इनसे जानेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ताकि आप सब भी दीपक के जैसे रैंक प्रोड्यूस कर सकें और दीपक के जैसे मार्क्स लेके आ सकें। सो वेलकम टू दिस शो। सो दीपक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए अपना। श्योर, आई एम दीपक साहू, आई एम फ्रॉम छतरपुर मध्य प्रदेश, करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स न्यू दिल्ली। ग्रेट ग्रेट, तो ये ऑल इंडिया लगता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दीपक, आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर हैं या क्या है? नहीं, मेरी फैमिली से मैं फर्स्ट वन हूँ विच इज़ गोइंग टू बी अ डॉक्टर। ग्रेट ग्रेट, लोगों को लगता है कि फैमिली में अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनना आसान हो जाता है, बट दीपक एक जीता जाता एग्जाम्पल है। दीपक, क्या बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, या मतलब आप प्रिपरेशन कब शुरू करें? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर अगर बनाना है तो वो 7-8 से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो आपने भी ऐसे किया था रैंक 5 के लिए? नहीं, अगर डॉक्टर को एज अ ड्रीम देखूं तो मेरा स्टार्टिंग से तो नहीं था। मेरा ये ड्रीम सिर्फ तभी बना जब मैं नवोदय में गया। एक्चुअली मैं 9th क्लास में नवोदय में गया था। सो वहाँ के जो बायो के टीचर्स थे वो जिस तरीके से पढ़ाते थे तो वो थोड़ा इंस्पायर करता था। एंड देन आई मेकअप माई माइंड कि आई शुड गो। एंड उस समय फिर मैं सेमिनार वगैरह में भी जाता था, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल पे, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स नवोदय में होते हैं। तो फिर देन आई कम टू नो अबाउट एम्स। तो फिर मुझे एम्स के बारे में पता चला, उसकी लेगेसी, डिग्निटी। तो देन आई मेकअप माई माइंड कि मुझे एम्स में ही जाना है डेफिनेटली। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट इतना ज़्यादा ऑफिशियल नहीं था कि कोई कोचिंग ज्वाइन की 9th में। नहीं, सिर्फ जनरल स्टडीज़ की 9-10th में, फिर 11th से कोचिंग किया, 11-12 2 साल कोचिंग किया। एंड एट फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब कि ड्रॉपर नहीं है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट को क्रैक कर दिया और रैंक 5, कमाल का है। सो मतलब लोगों को लगता है कि बिना ड्रॉप किए हुए नीट क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि नीट बहुत ज़्यादा टफ है। 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो सोचते हैं कि यार बोर्ड कुछ अलग होता है, नीट कुछ अलग होता है। तो आपका क्या माइंडसेट था, मतलब जब आप 11th में थे? चलिए हम समझते हैं कि आपने उतना अच्छा उसमें नहीं किया, 11th से आपने प्रिपरेशन शुरू किया। तो 11th और 12th और ख़ासकर जो हमारे आसपास पड़ोसी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि बोर्ड में नंबर आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भले डॉक्टर बनो ना बनो। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, वो चाहते हैं कि भाई बोर्ड में नंबर आना चाहिए, नीट का बाद में देख लेंगे। तो आपका माइंडसेट और आपके फैमिली का माइंडसेट और रिलेटिव और पड़ोसी का माइंडसेट क्या था? ओके, अगर इस रिस्पेक्ट में अपने माइंडसेट के बारे में बात करूँ तो मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मेरे लिए प्रायोरिटी नीट था बेसिकली। उस समय एम्स भी हुआ था, बट जब हम 11th में आए थे तो फिर एम्स जिपमर को नीट में मर्ज कर दिया गया था। तो स्टार्टिंग में मैं एम्स के लिए प्रिपेयर करता था, फिर देन आफ्टर फिर नीट पे फोकस किया। बोर्ड मेरे साथ ऐसा था कि मैं ये सोचता था कि नीट का और बोर्ड का सिलेबस सेम है, कुछ खास अलग नहीं है, तो हम सिर्फ नॉलेज गेन करते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करें तो बोर्ड में भी अच्छा किया जा सकता है। तो उसको एज अ डिफरेंट चीज़ मैंने कभी लिया ही नहीं। 12th में भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आई जस्ट टेक इट एज अ वन सिंगल। तो मुझे कभी प्रेशराइज फील नहीं हुआ। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, तो वो काफ़ी सपोर्टिव थी। उनको भी लगता था कि बोर्ड में करने से कुछ नहीं होता, अगर 98 भी बन जाएंगे तो क्या ही होने वाला है। मेरे 10th में 96 थे, उससे क्या ही हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एज अ बोर्ड में टॉप करने का या फिर 98, 99, 99.8 लाने का भी कोई सेंस नहीं होगा, बट नीट में लाने का फायदा होगा। आपको पता ही इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। राइट, मतलब दीपक से एक मैसेज मैं जनरेट करना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने बताया कि कोई फर्क नहीं होता, मतलब वाकई नहीं फर्क होता, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वही बुक एनसीईआरटी, उसी से क्वेश्चन आएगा, और नीट का भी एग्जाम देंगे तो वही बुक एनसीईआरटी, उसी से क्वेश्चन आएगा। बट द मोड ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्योंकि आप बोर्ड देंगे तो रिटन में लिखना होता है, और जब आप नीट देते हैं तो एमसीक्यू पैटर्न हो जाता है। बट आपको अगर थ्योरी आती है तो आप लिखोगे भी और एमसीक्यू भी कर लोगे। तो मुझे एक चीज़ जानना था कि जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स सपोज आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है 5 महीने पहले या 6 महीने पहले, और फिर नीट भी आपको देना है क्योंकि 1-2 महीने बाद नीट हो जाएगा। खैर आप तो उस समय कोरोना वरना था, तो चलो अब मान के चलते हैं कि ड्यूरेशन बहुत कम मिलता है, 1 महीना 2 महीना। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई बच्चा 12th में है, उसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड में भी अच्छा करना है और नीट में भी अच्छा करना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उसके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि उसकी प्रायरिटी क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो, मतलब उसकी नीट एज अ प्रायरिटी ही होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब वो नीट के लिए प्रिपेयर करेगा तो हो सकता है जैसे 12th में है तो उसके साथ एक चैलेंज रहेगा कि नीट के लिए उसे 11-12 साथ में लेके चलना है, लेकिन बोर्ड के लिए सिर्फ 12 लेके चलना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप नीट को प्रायरिटी वाइज सबसे ऊपर रखें, उसके लिए तैयारी करें। एंड जैसे जब बोर्ड है, जैसे फॉर सपोज दैट 2 वीक्स बाद आपका बोर्ड का पेपर है, तो आप थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मतलब उसके टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट पहले से लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत पहले से आप उस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो थ्योरी वाइज, उसकी ऐसा जरूरत नहीं है। आप उसके बोर्ड के पहले 1-2 वीक्स पहले देख सकते हो, प्रीवियस ईयर देख सकते हो कि बोर्ड में कैसे आते थे। दैट मच इज मोर देन सफिशिएंट और काफ़ी ईजी, स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है इन अ बोर्ड, आप ईजिली काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप नीट का स्ट्रॉन्ग है। हाँ राइट, बट मैं यही कहूँगा, यही स्ट्रांगली इंसिस्ट करूँगा कि प्रायरिटी आपकी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए। बट दीपक क्या होता है कि 1-2 महीने गैप मिलता है, और हम लोगों का क्या होता है कि जैसे मेरा भी 12th बड़ा स्ट्रांग है अभी भी, तो सब बच्चों का 12th स्ट्रांग होता है, 11th बड़ा वीक रहता है। तो उस 1-2 महीने के स्पैन में 11th को कैसे अच्छा किया जाए ताकि नीट में भी अच्छा किया जा सके? आपका क्या था, मतलब आपने कैसे किया? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि क्या हुआ था, जब मैं 11th में था, तैयारी कर रहे थे, तो बीच में एक हॉल्ट हो गया, मतलब एक इशू था, हो गया था इंस्टीट्यूट में। तो व्हाट हैपेंड कि सेंटर से हम लोग वापस घर आ गए थे, तो एक थोड़े से इशू के कारण हम लोग की 11th बीच में रुक गई थी। एट द इट वाज द टाइम ऑफ फरवरी, और सिलेबस भी उस समय कम हुआ था, मतलब हम लोग का आधा ही हुआ था। जैसे फिजिक्स में बात करूँ तो फ्रिक्शन तक ही हुआ था, मतलब रोटेशन, थर्मोडाइनमिक्स, वेव्स वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। और केमिस्ट्री में भी ऐसी हुआ था, बायो में भी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब गायब था, है ना। सो मेरे साथ ये मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 11th मेरी छूट गई थी, फिर 12th में क्या हुआ, मुझे 11-12 दोनों करना पड़ा। अच्छा, तो एक्चुअली मैंने कभी 11th को छोड़ा ही नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा, मतलब ऐसा सिंगल डे नहीं होता था जब मैं 11th ना पढ़ता था या उसकी प्रैक्टिस नहीं करता था। तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया, भले लोग उसे ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो ब्लंडर हो गया कि 11th बीच में छूट गया, अब क्या होगा, बट मैंने उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे दोनों को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ा। तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया कि कभी 11 छूटा ही नहीं, तो मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया कि 11-12 अलग है या फिर दोनों को अलग से ट्रीट करना है। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी स्टूडेंट है वो ये सोचें कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं कि 11th एक अलग पार्ट होता है, 12th एक अलग पार्ट होता है, ये पूरा एक सिलेबस होता है जो कंटिन्यूएशन में होता है। तो दोनों का अलग नहीं देखना है, दोनों एक ही साथ हैं, तो आपको उनको साथ में ही पढ़ना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपने सही किया। इवन मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, तो मैं अगर कोई बच्चा 11th का हो, 12th का हो, डजेंट मैटर, वो नीट का है, तो मैं 11th-12th का वो नहीं है, मैं कहता भी हूँ। तो अनअकैडमी के प्लस पे बहुत फेमस है, 5 से 8 आओ, 360 लेके जाओ। कारण यही है कि मैं मतलब ये समझता हूँ कि अगर आप 11th में हो तो 12th भी पढ़ो, 12th में हो तो आप 11th भी पढ़ो, सबको एक जैसा मान के चलो ताकि आप नीट में अच्छा कर सको। ग्रेट। अच्छा दीपक, एक चीज़ और, मतलब कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि आपके लिए थोड़ा इजी था मुझे ऐसा लगता है, वैसे इजी तो नहीं होता है खैर, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइटी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज रहते हैं, आपने उसे कैसे ओवरकम किया था? बेसिकली जैसे मेंटल इश्यूज तो थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने इससे पहले कभी ओपनली इसके ऊपर इसको डिस्क्लोज नहीं किया, एंड मैं नेम के साथ नहीं डिस्क्लोज करूँगा, बट मैं करूँगा। जैसे क्या था, 10th में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मुझसे खुद से, हमारी खुद से एक एक्सपेक्टेशन होती है हर स्टूडेंट की, तो वो एक्सपेक्टेशन मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब थी अच्छी थी बट मैं उतना अचीव नहीं कर पाया, सो मुझे थोड़ा बेकार लगा। और जैसे अक्सर ही सबके साथ होता है कि उनके फ्रेंड्स के ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको ज़्यादा बेकार लगता है ना, तो मेरे साथ भी था, मतलब मेरे साथ जेलिसी का केस था, सबके साथ होता है, तो वो चीज़ मुझे हर्ट करती रही। मतलब मैंने ये चीज़ काफ़ी फील की है कि मेरी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के जो 3-4 मंथ्स थे जब मैंने 11th से स्टार्ट किया, तो मैंने उस चीज़ को फील किया और उसका एक बैड इम्पैक्ट था मेरी प्रिपरेशन में। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे टेस्ट में तो भले अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या पता फाइनल में मेरे फ्रेंड के मुझसे ज़्यादा अच्छे आ गए, तो मुझे बेकार लगता था। तो मैं ये कहूँगा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ रियली बेकार, मैं बिल्कुल गलत हूँ, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस करता चला जाता हूँ और छोड़ देते हैं, मतलब इस ये बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है प्रिपरेशन को। जो जेलिसी मुझे बेकार लग फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल में मेरे फ्रेंड्स की मुझसे ज़्यादा अच्छे आ जाए। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये बिल्कुल पता है वैसा है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसा मैंने खुद को संभाला मैं वैसे ही बताता हूँ कि नीट में आपको कैसा माइंडसेट रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विमिंग रेस है ना, उसमें 10 लोग स्विम करने वाले हैं, उसमें से आप एक हैं, है ना। सो रेस आपको क्या करना है, वहाँ तक पहुँचना है और वापस आना है ना। रेस स्टार्ट होती है एट मिड पॉइंट, मतलब एट मिड पॉइंट आप हैं। अगर आप आसपास देखते हैं कि कौन आपसे आगे है कौन आपसे पीछे है, अगर आप पीछे वालों को देख के खुश हो जाओगे, बट अगर आपने देखा क्योंकि वो आपसे आगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। हाँ। फिर आप थोड़े से मतलब थोड़ा सा आप पैनिक हो जाओगे कि अब वो मेरे से आगे, वो पहले पहुंचेगा फिर वापस आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आसपास वालों को नहीं देखना है, आपको बस सामने देखना है कि आपको वहां तक पहुंचना है। तो आप वहां तक पहुंचे, वापस आए, जब वापस आ जाए तब देखें कि हाँ व्हाट यू हैव अचीव्ड। सो दैट वाज द सेम थिंग कि मैं सोचता था मैं बस अपना काम करता हूँ, मेरे से कितने लोग की ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज इन, मेरी जो कोचिंग थी, मैं ये नहीं सोचता था कि कोटा में कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में लोग कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं सोचता था, लोग कहीं भी पढ़ ले। मैं अपनी प्रिपरेशन फोकस करता था कि मेरा टारगेट ये है, मैं पहुँचता हूँ फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट की क्या अचीव कर लिया, है ना। ग्रेट एग्जांपल, मतलब ये एंजाइटी को कम करने का यही तरीका है कि आप पहले देखना बंद करें आसपास वालों को। आप नीट में अक्सर मैंने ये देखा है, जैसे मैं भी प्रिपेयर करता था तो मैं, मेरा एक दोस्त है अभी वो यूसीएमएस में डॉक्टर है, तो मैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सुपर था वो, तो मैं उसे फ़ोन करता था कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इम्प्रूव करें। अब वो देखो आपको पता है कि इम्प्रूव कैसे हो सकता है, पढ़ के हो सकता है, एंड एवरीवन नोज, है ना। आपको भी पता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में पास होना है तो आपको पढ़ के पास होना है, कोई भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। आपको एनाटमी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सेम नीट के साथ होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं कि यार फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स में फंसे हैं, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे करें। बट वो भी बताएगा आपको कि पढ़ना ही है, और आपको अल्टीमेटली पता है कि पढ़ना ही है। तो क्यों ना हम अपने ऊपर फोकस करें और अपने को पढ़ाई करें, अपने ऊपर फोकस करें, खुद को इम्प्रूव करें डे बाय डे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज, कि अगर मैं, मुझे रैंक 5 लेके आना है तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बायो, क्योंकि बायो बराबर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब मार्क्स वाइज, मतलब है ना 90 बराबर 45 प्लस 45, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बायो में अगर आपके मार्क्स कितने थे बायो में? 360 आउट ऑफ 360। क्या बात है। तो 360 मुझे लेके आना है बायो में, तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? बायो जो है, जैसे अभी सर ने कहा कि बायो थोड़ी वास्ट है, और रियली प्रिपरेशन के बीच में मुझे भी फील हुआ था कि लिटरली काफ़ी वास्ट है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक चीज़ों को पकड़ के रखना, याद रखना इज़ नॉट अ रियली ईजी टास्क नहीं है ये। और फाइनल में वो सारी चीज़ें नॉलेज अप्लाई करना, ये ईजी काम तो नहीं है। सो मैं यही कहूँगा कि फिर ऐसे में क्या होता है ना, आपका जो मैथड होता है पढ़ने का वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ते हैं, जैसे मैं जैसे पढ़ता था, जैसे हमें पता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरी ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं सब कुछ पढ़ना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, फिगर्स वगैरह। बट मेरा एक अलग एक्स्ट्रा अप्रोच ये रहता था कि मैं जो भी पढ़ता था, फॉर एग्जांपल आई हैव रेड अ पैराग्राफ, सो मैं उससे क्वेश्चन फ्रेम करता था, जो उससे सबसे टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है मैं वो फ्रेम करता था। अगर मैं ये सोचता था अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे पेपर सेट करना है, तो फिर मैं क्या बनाता कि सामने वाला ना कर पाए। आपको बीच में रोकता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि दीपक, मैंने एक अपने प्लस पे गेस द वर्ड सीरीज स्टार्ट किया। तो गेस द वर्ड सीरीज बहुत, मतलब पूरे नीट यूजी में पॉपुलर है, इसलिए पॉपुलर है कि पेज वाइज, मतलब हर चैप्टर का पेज होता है, तो पेज वाइज और पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। 2 साल मुझे लगे हैं कि हर एक लाइन से क्या क्या क्वेश्चन है, और वो वर्ड आपको, मतलब मेरे जो लर्नर होते हैं वो भरते हैं, मतलब कि कमेंट करके आंसर देते हैं। इट्स नॉट फॉर द एमसीक्यू, 4 ऑप्शन होंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका एग्जैक्ट वर्ड आता है ना, तो 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, उसी पे मारोगे आगे निकलोगे। और मेरे खुद के जो स्टूडेंट होते हैं, मैंने टारगेट उनको दिया है कि आपको 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी सही। तो आपने जैसे बताया कि हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है। और क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाते थे बायो में? तो मैं ये कहूँगा जैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब उससे क्या होता है ना आप रिटेन होने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उससे क्वेश्चन फ्रेम किया तो आपको याद होगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, इसका आंसर ये था, तो वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील आप कर पाते हो। क्वेश्चन फ्रेम में ये कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को देखें, फिगर को देखें तो उससे भी क्वेश्चन फ्रेम करें, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे नीट में फिगर से डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 साल से नहीं यार, पहले आते थे। बट मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आते, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन वो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा लेवलिंग ही पूछे, हो सकता है कि फिगर में कोई इन्फॉर्मेशन हो, उस इन्फॉर्मेशन से एक एमसीक्यू बनाए। मुझे याद है धतुरा वाला डायग्राम, या यू आर करेक्ट, तो धतुरा वाला डायग्राम देके पूछ लेते थे उसका इंग्रेडिएंट बताओ या कुछ बताओ। हां, तो जो इन्फॉर्मेशन फिगर में, यानी आपको फिगर को डीपली एनालाइज करना है, मतलब फिगर को ऐसे नहीं देखना है कि सिर्फ लेवलिंग ही आने वाली है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होता है, उसके जस्ट पहले, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो हालांकि हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हां पेक्टोरलिस मेजर मसल कुछ होती है, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, that's the point। अगर आप ब्रेन का फिगर देखते हैं तो ब्रेन का फिगर आप देखेंगे कि ब्रेन का जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें उसका प्लेन भी लिखा हुआ है कि वो किस सजाइटल प्लेन है, वो वर्ड हम कहाँ पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन वो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो किस प्लेन से, ये कोरोनल प्लेन है, बहुत से लोग बोलेंगे ये कहाँ से, ये क्या है, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, हमें तो पता ही नहीं है, सजाइटल प्लेन, मतलब पेज नंबर भी याद होना चाहिए बेसिकली, नहीं मतलब आपको डीपली एनालाइज करना है, वो जो है आपको उसको समझना है। बायो के लिए इंपॉर्टेंट बुक क्या आपने प्रेफर किया था? बायो के लिए मेनली तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी आपने थ्योरी बनाया था। और एमसीक्यू एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत से लोग एक्स्ट्रा को लेके परेशान होते हैं, मैं भी एक बीच टाइम में परेशान होता था क्योंकि मॉक टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते थे, उसकी वजह से मार्क्स कम आते थे, तो हम ये सोचते थे हम एक्स्ट्रा पढ़ लें कि एनसीईआरटी फोकस करें, तो वो एक एक्स्ट्रा वर्सेस एनसीईआरटी की वॉर होती रहती थी हमेशा, मतलब वो लगा ही रहता, बट वो रेलेवेंट मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे भी नहीं लगता, वो थोड़े बीच में आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाए, बट क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है देखोगे कि क्वेश्चंस के लेवल इतने अच्छे नहीं आते मॉक टेस्ट में, मतलब वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं आते, बट नीट का पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, तो ये हम आगे बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, बहुत अंतर है। अच्छा, तो आप मतलब मेन एनसीईआरटी है, और जो आपके क्लासरूम नोट्स हैं आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, मतलब आप देख लें बट ज़्यादा उनको याद करने के लिए परेशान ना हो। एमसीक्यू के लिए क्या करते थे? एमसीक्यू में एक बुक आती है हिमांशु अग्रवाल, ये ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी है, सो वो मैं लगाता था, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाते थे और एनसीईआरटी भी मिल जाते थे। इसके साथ साथ और भी मटेरियल है, जैसे आप एमटीजी का फिंगर टिप लगा सकते हो, वो भी काफ़ी रिलेवेंट है। हाँ, तो इन बुक्स से आप काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा बुक्स आप चाहे जितनी लगा लें, आपकी जो नंबर ऑफ रीडिंग बायोलॉजी में होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, आपके नंबर ऑफ एमसीक्यू से ज़्यादा आपने कितना कंटेंट के साथ टाइम स्पेंड किया है, उसके साथ आप कितना कनेक्टेड रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे जो बायोलॉजी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर चैप्टर की अपनी अलग कहानी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनरल न्यूट्रिशन में आएंगे तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, जैसे हर एक जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, सब कहाँ प्रेजेंट है, उनके फीचर्स वगैरह, कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, तो कंटेंट बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हम फूड प्रोडक्शन में आएंगे तो वहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, व्हीट की वैराइटीज़ वगैरह, राइस की वैरायटी, चिली वैरायटी, तो ये सब कंटेंट बढ़ता चला जाता है। अगर हम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में आते हैं तो वहाँ पे रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो क्वेश्चन ये कि मतलब इनमें कैसे टैकल किया जाए। तो इनके साथ ये कि जो ऐसे कंटेंट हैं, जो ऐसे चैप्टर हैं जैसे मॉर्फोलॉजी वगैरह है, तो मैं क्या करता था, जो मेरा स्टडी रूम होता था तो उसमें मैंने कैप साइकिल का एक चार्ट बना के चिपका रखा है, ग्लाइकोलिसिस का एक चार्ट है, टीसीए का एक चार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, तो वो हमेशा मैं उसके साथ कनेक्टेड रहता था कि हाँ ये एक एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो वो एज अ फ्रेंड रहते थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई दुश्मनी है। तो एज अ उनके साथ ज़्यादा आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब चार्ट बना के जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आप उससे चिपका दें। ऐसे ही जो फूड प्रोडक्शन में जो टेबल्स बनी हुई एनसीईआरटी में, आप उनकी भी चार्ट बना के चिपका सकते हैं, ताकि आप हमेशा उनके साथ कि हाँ ये पूरा स्वामी जो मतलब याद करने वाला चीज़ है, इकोलॉजी में डेट याद करना है तो उसको अलग-अलग कुछ नहीं कर सकते, जिनका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उनको मेमोराइज करना है, रटना नहीं है, क्योंकि आप फिर वहाँ पे जाके कन्फ्यूज ही होंगे। जैसे आपने बीच में अभी कहा था कि आपको कंटेंट को बार बार रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चन भी करना चाहिए। आज के टाइम में मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ, बच्चों को लगता है कि अगर वो ड्रॉपर हैं, लेट्स सपोज कि 1 साल ड्रॉपर हैं, 2 साल ड्रॉपर हैं, तो उनको लगता है कि मैंने जो ड्रॉप लिया था वो पिछले साल मैंने थ्योरी पढ़ ली है, मतलब मेरा थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, बस मुझे खाली प्रैक्टिस करना है। और मैं उनको रोकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो तो आप मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए, तो आपने गलत पढ़ा है इसलिए तो आप अच्छा नहीं कर पाए। तो दोनों को पैरेलली मैनेज है। तो आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए या रिवीजन कम करना चाहिए, क्या दोनों को कैसे आप देखते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि सबसे पहले तो नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज के लिए आपको लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, थ्योरी पढ़नी होगी, बुक्स पढ़नी होगी। तो जब आप इनफ सफिशिएंट नॉलेज अप्रोच सीख जाएँ एंड देन आफ्टर यू शुड कम टू द प्रैक्टिस पार्ट। प्रैक्टिस पार्ट इसलिए होता है कि जो आपने किया है उसे फिनिशअप कर पाए, मतलब फिनिशिंग होती है। और अगर आपने कुछ गलत सीख लिया तो वो भी प्रैक्टिस में इंप्रूव हो जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, आपने लगाया, फिर आपको पता चलता है अच्छा मैं गलत अप्रोच रखता था, ये गलत तरीका है सोचने का। तो प्रैक्टिस बस ये होता है कि आपको फाइनलाइज करता है, आपकी नॉलेज को फाइनलाइज करने में हेल्प करता है। हाँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे हम बायो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे आज जो चैप्टर फिनिश हुआ और आज ही उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, वो सब बन जाएंगे, उनसे पूरे बन जाएंगे और उनको लगेगा कि ये चैप्टर हमारा स्ट्रांग हो गया, तो एक दो हफ्ते बाद वो चला जाएगा। तो यहाँ पे रिटेंशन पावर की मैं बात करूँगा तो मैं क्या करता था, जैसे इस हफ्ते जो चैप्टर हुआ मैं उसकी प्रैक्टिस अगले हफ्ते करता था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मेरी रिटेंशन पावर कितनी ज़्यादा है, और इससे रिटेंशन पावर बढ़ती है, आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रख सकते हो। बायो में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट ना करें कि आज खत्म हुआ तो आज ही सारे क्वेश्चन लगा लिए, वो आपसे बन जाएंगे क्योंकि आपको सब कुछ याद होगा। क्या आप एक हफ्ते बाद लगाएंगे तो उतने बन जाएंगे? नहीं ना। हाँ, इसलिए तो रिटेंशन पे आपको फोकस करना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो क्वालिटीज़ हैं जैसे रिटेंशन है, फोकस है, ऐसा नहीं कि एक दो महीने पहले सुधर जाती है, वो आपको प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए। प्रिपरेशन में आप हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान दें। और मैंने ये किया है कि मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों को बस सुधार लिया, इसलिए शायद मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं यही कहूँगा जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं कि आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लें अपनी प्रिपरेशन में, एंड आप भी यहाँ पे नेक्स्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। केमिस्ट्री का अप्रोच आपसे पूछते हैं कि केमिस्ट्री को आपने कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो तीन केमिस्ट्री को देखते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। पहली बात, तीनों के अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं, तीनों को अलग अलग बुक भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कैसे केमिस्ट्री को समझा, एक सब्जेक्ट समझा या तीन सब्जेक्ट समझा, उसकी कैसे कैसे प्रिपरेशन किया, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक रखे, क्या सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड था, कैसे अप्रोच था? ओके, केमिस्ट्री बेसिकली मुझे याद है एक मेरी प्रिपरेशन में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जब मुझे केमिस्ट्री से डर लगता था। वो इसलिए था क्योंकि केमिस्ट्री सच में थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि तीनों चीज़ें एंटायरली डिफरेंट है। तो ये बात तो श्योर है कि हम एक नज़रिए से नहीं देख सकते, है ना, हम एक ही अप्रोच से तीनों कंटेंट को नहीं देख सकते, बहुत श्योर है, क्योंकि तीनों एंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में रन करते हैं, है ना। सो अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे फिजिकल है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, तो हम फिजिकल की बात करें तो मैं आपको एक डायरेक्ट बस इतना ही कहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वो प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं आती इस नाउ। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ एडिशनल क्या है जो एनसीईआरटी का कंटेंट है। मतलब एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर जैसे सॉल्यूशन है तो उनसे आपसे ट्रू सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पूछ लिए जाएंगे। सॉलिड स्टेट है तो उसमें भी बहुत सारे टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, मैग्नेटिज्म वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनके एग्जांपल्स पूछ लिए जाएंगे। इक्विलिब्रियम है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ अच्छे इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक में भी हेल्प होगा, और उनसे क्वेश्चन फ्रेम जब हो जाएगा तो फिर बच्चे, वो स्टूडेंट सोचेंगे कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फिजिकल कंप्लीट करना है तो फिजिकल बहुत इजी है, बस करना क्या है जो मैंने कंटेंट बताया कि आप थोड़ा थ्योरेटिकल एनसीईआरटी से देख लें और पीवाईक्यू लगा लें, उससे बाहर फिजिकल का पेपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। ये तो है। ऑर्गेनिक को कैसे किया? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेसिकली थोड़ा सा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था क्योंकि मुझे थोड़ा मज़ा आता था, मतलब बाकी स्टूडेंट्स के मेरे क्लासमेट्स के कंपैरिजन में। तो वो पता नहीं, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जैसे पीरियोडिक टेबल है और केमिकल बॉन्डिंग है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, टीचर्स डिटेल में पढ़ाते भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है, उसमें आपको एक्स्ट्रा अप्रोच रखना है। लेकिन जो बाकी के हैं जैसे ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, उसमें आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा अप्रोच रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना है और क्वेश्चन लगाने हैं। एक इशू जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और जो मैंने भी फेस किया वो ये था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इनऑर्गेनिक क्या है ना, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा आता ही है, डेफिनेटली आता है है ना, और वो टैकल नहीं होता, मतलब वो नहीं कर पाते। तो आप इनोगेटिंग में एक्स्ट्रा के लिए बिल्कुल परेशान मत रहें, ये बात तो है। आप सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहें, इसमें भी आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि जैसे जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है इनऑर्गेनिक में, सही बताऊँ तो जैसे इसका यूजेस है, सोडियम का यूज़ है, लिथियम का यूज़ है, लिथियम वेरियस मेटल्स के साथ डिफरेंट अलॉय बनाता है, उनके अलग यूजेस हैं। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं, H2O2 का स्टेबलाइजर यूरिया होता है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको एज अ नोट डाउन करने चाहिए। हम हालांकि शॉर्ट नोट्स में बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ आपके साथ तब रहेंगी जब आप इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप इनके साथ कम टाइम स्पेंड करेंगे तो चलेगा, डेफिनेटली वो चला जाएगा। तो टाइम स्पेंडिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इनऑर्गेनिक में। तो आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, वो आपके साथ उतना रहेगा। हाँ, ऑर्गेनिक का क्या अप्रोच था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही था कि ऑर्गेनिक में आप जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लें। जो मैंने किया था, मैंने कैसे कवर किया, तो मैंने जीओसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मतलब 2 से 3-4 मंथ लगभग, हम हाँ 3-4 मंथ से ज़्यादा ही। तो इस कंटेंट को अच्छा टाइम दिया। तो अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर आपकी सच में लिटरली ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है, मतलब फिर कुछ खास नहीं बचता। फिर आपको क्या करना होता है, सिर्फ एनसीईआरटी लगाना, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, उसमें आप खुद से कर लोगे। मतलब अलग अलग से देखने की जरूरत नहीं कि अमीन्स के अलग से लेक्चर दिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग से लेक्चर दिख रहे हैं। अगर आप ये वाला कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आप खुद से लॉजिक लगा लेंगे, खुद से रिएक्शंस एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके मैकेनिज्म पे भी पहुंच जाएंगे। सो इन कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करें, और बाकी आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इसी में वो हिस्सा कवर हो जाता है। तो उसके लिए अलग से ना कि अमीन्स का अलग से देख रहे हैं, हैलाइड्स का अलग से देख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, वो खुद से पढ़ लें। एंड प्रैक्टिसिंग में ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस काफ़ी करें। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो साथ साथ करनी होती है। अब देखिए इसमें साथ साथ करनी होती है ना, इसमें इसलिए साथ साथ करनी होती है ताकि आपने जो सीखा है वो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, नहीं तो बाद में वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। मतलब बायो में तो ये कि बाद में भी लगाओगे तो आप क्लैरिफाई कर लोगे, लेकिन इसमें आप साथ में प्रैक्टिस करें जो कंटेंट पढ़ाया जाए, ताकि वो चीज़ उसी समय क्लैरिफाई हो जाए, कोई गलत अप्रोच आप ना रख लें, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ना थोड़ा लॉजिकल है, तो उसमें अप्रोच की इम्पोर्टेंस है ना। तो आपका अप्रोच उसी समय सही हो जाना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए। तो दैट्स द वे ऑर्गेनिक हैज़ टू बी डील्ड। एंड अगर हम बुक की बात करें, जैसे ऑर्गेनिक की एक बुक है जिसे मैंने लगाई थी, हिमांशु पांडे की बुक आती है जीआरपी पब्लिकेशन की, वो काफ़ी अच्छी बुक है। और बाकी एनसीईआरटी भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस वगैरह हैं एनसीईआरटी में भी, इन टेक्स्ट के, एक्सरसाइजेस के, तो वो आपको थॉरली लगाने हैं। और दैट मच कंटेंट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इससे बार नहीं जाएगा। नीट के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनको फिज़िक्स से बहुत डर लगता है, और मुझे भी लगता है पर्सनली कि फिज़िक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपका कैसा अप्रोच था फिज़िक्स को बेहतर बनाने का, और आप कितना, मतलब कि अगर मान लीजिए लेट सपोज आप 10 आवर्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स को कितना देते थे? बेसिकली मैं एक बात मेंशन करूँगा कि मेरी प्रिपरेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरली फिज़िक्स में ही गया है ना। तो मैं, और वो लग भी जाता है उसमें, उतना वो डिमांड करता है एक्चुअली, फिज़िक्स थोड़ा सा डिमांड करता है प्रैक्टिस वगैरह को, तो उसमें चला जाता है। तो अगर मैं फिज़िक्स के अप्रोच की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा फिजिक्स लेकिन एक टाइप से बाकी के कंपैरिजन में इजी है। हाँ। अब आप सोचो कि इजी है तो फिर टाइम ज़्यादा कैसे हो गया, तो वो प्रैक्टिस पार्ट उसका ज़्यादा टाइम ले लेता है ना। और इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह अप्लाइड होते हैं। सेम प्रिंसिपल जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आते हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चीज़ें, थिंग्स आर कोरिलेटेड। जैसे हम केमिस्ट्री और बायो में तो एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, हर चैप्टर की अलग ही स्टोरी, अलग ही टर्मिनोलॉजी, अलग ही कॉन्सेप्ट्स हैं। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स काफ़ी इंटीग्रेटेड है। जैसे मॉडर्न है तो मॉडर्न में भी वही काइनेमेटिक्स की फॉर्मूले लगनी है, जो काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा वो पूरी फिजिक्स में आपको मिलता जुलता मिलेगा। तो ये एक अच्छा फैक्टर है, और स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, जब वो इस चीज़ को रियलाइज कर लेंगे सोचेंगे हाँ इसमें इजीनेस तो है, मतलब थोड़ा इजी तो है, मतलब उस नजरिए से देखो ही नहीं ना क्रिटिकल तरीके से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक हवा हो जाता है ना, वो बना लेते हैं कि यार फिजिक्स बहुत टफ है। और आजकल के दौर में क्या होता है, मैंने खुद से फील किया है कि बच्चे चाहते हैं कि यार शॉर्ट टर्म हो, मतलब कम टाइम दे और ज़्यादा गेन करें, मतलब ना कि जैसे पैसा कम लगाएं और ज़्यादा रिटर्न आए, वैसे। तो ये हमारे स्टडी में नहीं चलता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप सब्जेक्ट में मजबूती आएगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटा किया और फिजिक्स खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आप जब पढ़ते थे फिजिक्स तो आपको ऑन एन एवरेज, मतलब अब कैलकुलेटेड तो नहीं हो सकता है, तो आप अगर पूरा, अगर मैं मतलब मान के चलूँ कि आपका कुछ प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है, उसका कितना हिस्सा आप फिजिक्स को देते थे? लेट्स सपोज 25%, 50%, 75%, ऐसे परसेंटेज वाइज, ताकि देखो हर स्टूडेंट का तो टाइम फ्रेम अलग होता है, यूनिवर्सल टाइम टेबल तो हो नहीं सकता, कोई स्कूल जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई घर पे है, कोई हॉस्टल में है, तो एक अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज आप देते थे? तो अप्रोक्सीमेटली 40% रहता है, 40%, 60% में आप 30-30, हाँ उसको फिजिक्स को कहते हैं, 40% आप देते थे। यानी मुझे लगता है कि बदलती है एक्चुअली प्रिपरेशन में, जब प्रिपेयर करते थे तब ज़्यादा देते थे, जब सीख, और लेकिन जब एग्जाम के एक दो महीने पहले मैं बहुत कम टाइम देता था फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कोई रटने वाला पार्ट तो है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट है, तो एग्जाम के पहले मैं अलग से बुक भी नहीं लगाता था, मैं सिर्फ क्या करता था, जो मॉक टेस्ट में फिजिक्स के होते थे बस उतना ही लगा देता था, वही मोर देन सफिशिएंट होता था। इसलिए बुक कौन सा प्रेफर करते थे आप? हालांकि फिजिक्स में मैंने बुक्स लगाई हैं काफ़ी, तो जैसे S.C. वर्मा लगाई है, बट एज सच मैं ये कहूँगा उतनी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब MCQ के बुक लगा सकते हैं आप, हाँ MCQ के बुक लगा सकते हैं आप, D.C. पांडे लगा सकते हैं, सिंघीज़ की A to Z फिजिक्स आती है, वो भी काफ़ी अच्छी, मैंने वो लगाई है, एंड एररलेस फिजिक्स, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, हाँ सो वो आप ट्राई कर सकते हैं, ये सारी बुक्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा, जब आप प्रिपेयर करते हैं फिजिक्स के लिए, तो अगर हम अप्रोच पे आए जैसे कि क्या सही तरीका है कंप्लीट करने का, क्योंकि स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो क्यों फेस करते हैं वो भी मैंने अपनी क्लास में फील किया है कि आखिर क्या गलती हो जाती है ना, तो गलती ही हो जाती है कि जब स्टार्टिंग का कोर्स चल रहा होता है फिजिक्स का, जैसे वेक्टर है, काइनेमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो मैकेनिक्स का पोर्शन अगर आपका 1 ईयर भी ले ले कम्प्लीटली, मैं काफ़ी एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आपको 1 ईयर भी लग जाए मैकेनिक्स के ग्रेविटेशन, रोटेशन, ये सब कंप्लीट करने में, लेकिन अगर आपको वो क्लियर है तो आप 1 ईयर में बाकी का जितना भी है वेव, साउंड, हार्मोनिक्स, 12th सब खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस कंटेंट में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा अप्रोच सीखना चाहिए, मतलब आपको सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि चैप्टर कितनी जल्दी खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट की ये है कि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, उनको ये लगता है कि नीट सिर्फ कितना है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, नीट का पेपर देने जाओ, हो गया। नीट इतना नहीं है, आपको सीखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सिलेबस की दौर में, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी क्लास में फील किया है कि कुछ स्टूडेंट थे जिनका आईक्यू लेवल मेरे ही बराबर ही था, बट उनका इसलिए उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि वो सिलेबस कंप्लीशन की दौर में थे, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा मॉक टेस्ट ट्राई कर लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होता, वी हैव टू लर्न। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स, मैं उनको ये कहूँगा कि आपको भागना नहीं है फिजिक्स में, तो स्पेशली नहीं भागना है फिजिक्स में, जब तक आप वो अप्रोच ना सीख लें, सोचने का तरीका, कॉन्सेप्चुअली, इमेजिनेशन, ये सब ना सीख लें, तब तक आप आगे ना बढ़ें, आप उसमें लगे रहें, ये ज़्यादा जरूरी, मतलब स्टिक रहें उस जगह, और जब तक ना सीख लें तब तक आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि कनेक्टेड है, आप यहाँ नहीं सीखोगे तो वो आगे वाला कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये गलती क्या होती है, ये वाला पोर्शन वीक होने लगता है, फिर तो आपको पता है कि कनेक्टेड है, तो फिर वो पूरा ही बेकार हो जाता है, फिर बच्चे बोलने लगते हैं कि मतलब हवा ही हो जाता है कि कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कोर्स सारा कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, बट अगर उनसे टेस्ट पूछा जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछा जाए तो वो नहीं आता है, तो वो तो गलत है ना, कि आपने जब सीख लिया अच्छे तरीके से तो आना चाहिए। तो यही है कि सिलेबस को कंप्लीट ना करके सीखे उससे अच्छे तरीके से, ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो पाए। अब आते हैं लास्ट कुछ महीने जब बच जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मॉक टेस्ट होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये वो बहुत सारे चीज़। तो मॉक टेस्ट आप कैसे मतलब देते थे, मतलब कि मॉक टेस्ट कितना देते थे, रोज़ देते थे, उसको कैसे एनालाइज करते थे, क्या पूरा मॉक टेस्ट के बारे में आप बताइए। ओके, सो बेसिकली मैं सबसे पहले तो ये पॉइंट मेंशन करूँगा कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट से ज़्यादा आपका एनालिसिस ज़्यादा मैटर करता है, मतलब वेरी फर्स्ट पॉइंट, आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट सिर्फ तब दें जब आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो गया हो, फिनिश हो गया हो, आपको सब कुछ आता हो, एकदम क्लियर कट, ऐसा नहीं, आप बीच में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने मॉक टेस्ट देना तब भी स्टार्ट कर दिया था जब मेरे चैप्टर्स छूटे हुए थे या थोड़े वीक भी थे। उससे एक फ़ायदा होता है, कैसा फ़ायदा होता है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम खुद को और जान रहे होते हैं। मॉक टेस्ट इज लाइक योर मिरर, मतलब वो एक मिरर है जो आपको दिखा रहा होता है कि आप क्या हैं, है ना। सो वो मिरर है, और जब आप उसको समझते हैं कि आप में ये कमी है, तो मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा बताता है। मतलब आप खुद से बैठ के सोचेंगे कि मेरा क्या वीक है, क्या पोर्शन में भूलता हूँ, वो आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे। आप मॉक टेस्ट दें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या भूल जाते हैं, आपको क्या चैप्टर कम आता है, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या चैप्टर आपको आता है जिस पर आपको फोकस ही नहीं करना है, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं करना है। मॉक टेस्ट इज़ लाइक योर मिरर, टेक इट एज अ मिरर एंड एनालाइज इट डीपली, और आप खुद को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो आपने गलत किया है, ऐसा नहीं कि आपने आंसर देख लिया, वो आपने थ्योरी कंटेंट पे जाए, पढ़िए कि आपने गलत क्यों किया, क्योंकि अगली बार फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्प्रूव करेगा डे बाय डे। मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे मॉक टेस्ट है तो स्टार्टिंग में आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखें, जैसे वीक में 3 दे दें, फिर लास्ट के मंथ में आप 2 कर लें। हालांकि स्टार्टिंग में मैं रेगुलर देता था, मतलब इस वेरी स्टार्टिंग में मैं रेगुलर देता था। मतलब मैंने 1-2 हफ्ते ट्राई किया है, क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे कुछ लोग बोलते थे रेगुलर दो और कुछ लोग बोलते थे कि कम दो, तो मैं सोचता सही क्या है। तो सही चीज़ पता करने का एक ही तरीका है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे फिर वो कचरा ही आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बताइए कि सब ऐसे ही रहता है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें, और क्योंकि आप अलग हैं और वो जो सामने वाला बता रहा है वो अलग है ना। तो मैं तो ये कहूँगा, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें और कंक्लूजन निकालें और फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। तो स्टार्टिंग में मैंने रेगुलर दिया, फिर मैंने रियलाइज़ किया रेगुलर देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हम वीक में 3 दे सकते हैं। तो वीक में 3-4 ऐसे देता था, फिर वो 3 हो गया, फिर वो 2 हो गया, फिर लास्ट के उसमें पेपर के पहले, जैसे कल अगर नीट है तो मैंने आज नहीं दिया, मैंने 2 दिन पहले दिया था, मतलब जस्ट नीट के पहले एक नहीं दिया, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा सैचुरेशन टायर्डनेस हो जाती है मॉक टेस्ट से, वो मैं नहीं चाहता था। नीट में मैं नीट में एकदम एक्टिव रहना चाहता था, इसलिए मैंने नीट के जस्ट पहले 1 दिन पहले नहीं दिया। सो ये अप्रोच आप, मतलब नीट एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आप कंटेंट रिवाइज करते हैं, तो लास्ट में मान लीजिए कि मेरे पास 7 डेज है और 5 डेज है, तो आप 7 डेज में पूरा बायो पढ़ नहीं सकते हैं, आप पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उस मटेरियल को कैसे लेके आए थे? शॉर्ट नोट के फॉर्म में कैसे बनाए थे, या कहीं से आपने डाउनलोड किया था, या खुद से बनाए थे, वो कैसा था अप्रोच? सो ये जो है ना शॉर्ट नोट्स का पॉइंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखता है शॉर्ट नोट नीट में, तो है ना। तो क्या होता है ना, मैं ये कहूँगा जैसे एग्ज़ाम के पहले अगर आपके पास 3 मंथ भी हैं मॉक टेस्ट और इन सारी चीज़ों के, तो वेल एंड गुड। एक चीज़ होती है, कुछ लोग जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ शॉर्ट नोट बनाते हैं, और शॉर्ट नोट बनाने की बहुत से फॉर्म है। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक में ही एनसीईआरटी की बुक में जो एक्स्ट्रा रहता है वो साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि स्पेसेस जो रहती हैं। कुछ लोग अलग से बनाते हैं, कुछ लोग काफ़ी डीप में बनाते हैं, इतना डीप बनाते हैं कि वो एक पेज में ही पूरा पेपर हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं और कोई भी तरीका गलत नहीं है, राइट, सब स्टूडेंट की है। वही बात है एक्सपेरिमेंटेशन की। तो मैंने जो रियलाइज़ किया, और मेरा तो इतना, मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं शॉर्ट नोट्स के साथ, मैंने सब कुछ ट्राई किया, बुक में लिखने से लेके, डीप में बनाने से लेके बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाने तक, और लास्ट में 1 लाइन बनाने तक, मतलब बहुत सारे टाइप की चीज़ें ट्राई की हैं। तो वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे सही भी लगती हैं और कई चीज़ें गलत भी होती हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम के पहले बात करें कि एग्ज़ाम के पहले क्या सिनेरियो होना चाहिए शॉर्ट नोट मेकिंग का, तो ये होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर रहे हैं 1-2 महीने पहले, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर रिवाइज़ किया, बायो का आपने डाइजेशन रिवाइज़ किया, तो डाइजेशन के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जो आप भूल जाते हैं कि हाँ गट में सबसे ऊपर सरोसा होता है, फिर मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस में भी 2 अलग हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, आपको हमेशा कंफ्यूज होता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाहर होती है कि अंदर होती है। तो वो जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग हैं वो आप लिखते चले, जो चीज़ें आपको लगती है कंफ्यूज कर सकती हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बायो में इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, है ना, तो वो क्लियर कट कि हाँ यहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या है, वो आप लिखते चले। मतलब आप एक पेज में थोड़ा थोड़ा लिखते चले, मतलब आपको शॉर्ट नोट में वो लिखना है जो आप भूल जाते हैं, जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है, जो आपको आता है वो आपको शॉर्ट नोट में नहीं लिखना है ना। सो इससे क्या होगा, आप हर चैप्टर जैसे जैसे रिवाइज करते चलें वैसे वैसे बनाते चलें, है ना। तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम के पहले 1 हफ्ते पहले आप बस एक थोड़े थोड़े पेजेस होंगे जिसमें थोड़े थोड़े टर्म्स लिखे होंगे, छोटी छोटी लाइनें होंगी, आप उन्हें बहुत ईजिली, बहुत फ्रैंक, मतलब बहुत रिलैक्स होकर बस आपको पलटाना होगा, मतलब सिर्फ ऊपर से एक नजर घुमानी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एक कॉन्फिडेंस में बिल्ड हो जाता है कि मैंने पूरा बायो पढ़ लिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप युद्ध में जा रहे हैं, 3 घंटे का युद्ध है, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। सो ये एक तरीका है जो बायो में किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम किया जा सकता है। फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और कोई अगर एनसीईआरटी की कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जैसे हमने देखा है लास्ट ईयर, नॉट इन माई टाइम बट इसके पहले जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसके कुछ ग्राफ्स उठा दिए थे जो मॉड्यूल्स वगैरह में नहीं मिलते, वो सिर्फ एनसीईआरटी में मिलते हैं। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, जस्ट फॉर वन टाइम वो एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें, बस एक बार। हाँ, मतलब इतना टाइम मैं मानता हूँ कि इतना टाइम उनके पास नहीं होगा कि वो पढ़ सके, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना इज नॉट अ इजी डील। वो काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब फिजिक्स की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है, बट वो ये बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बट आपको एक बार उससे गो थ्रू करना चाहिए। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, डायग्राम्स है, फिगर है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने फॉर्मूलेज हैं वो। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आपको शॉर्ट नोट में फॉर्मूला को इंक्लूड करना है, लेकिन जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया है आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कितना पकड़ोगे, कितना याद रखोगे, कितनी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, जो आपके बेस फॉर्मूला हैं वो आपके एनसीईआरटी वाले हैं और फिर उससे रिलेटेड जो हो सकता है, तो इससे आपको ईजी होगा कि हाँ ये हमारे मेन है, क्योंकि इनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी चीज़ों की आने की। तो इससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, हाँ इतने प्रिपेयर है तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। फालतू के एक्स्ट्रा फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पता है कितने केसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। अब हम 3 घंटे में चलते हैं, अब हम नीट के एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं। आप जब नीट के एग्जामिनेशन सेंटर में गए थे तो मतलब बहुत सारे एंजाइटी, पाल्पिटेशन, ये सब होता है, घबराहट होती है, अंदर लगता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग पर्सनल चीज़ें भी हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। हाँ। तो इन सारी चीज़ों को पकड़ के आपको एग्ज़ाम देना होता है और एक बेहतर परफॉर्म करना होता हाँ। है। आपका वे ऑफ कैसा था, मतलब कि आपको एग्ज़ाम लिखने का वे ऑफ कैसा था, आपने कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले अप्रोच किया, फिर ये सारी चीज़ जो चल रही हैं पर्सनल चीज़ें वो कैसे था, स्ट्रेस आउट को कैसे रिलीज़ किया, मतलब क्या अप्रोच था? ओके, अगर हम देखिए इन 3 आवर्स को सुधारने का एक तरीका है, इसकी जो 1 मंथ है उसको सुधारना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैंने पर्सनली फील किया। क्या हुआ था, मैं घर पर था और घर पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी। सो व्हाट आई डिड, हमारा पेपर 12 सितंबर को था, तो मैंने 15 अगस्त को मैं अपनी टीचर्स के पास चला गया, मतलब उनकी सिटी में, है ना, पढ़ने के लिए। और मैं उन्हीं के साथ रहा, मतलब कोचिंग में ही रहा, और क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, बट फिर वो ओपन हो गई थी कोचिंग, तो मैं 1 महीने के लिए कोचिंग में ही रहा हॉस्टल में, और मैंने तैयारी की थी। तो वो मंथ मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरी क्लास से कोई नहीं जा रहा था। मैंने सबको पूछा था क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे, तो सब बोल रहे थे कि 1 ही महीना तो बचा है, घर पे ही तैयारी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 महीना भी नहीं था, 1 महीने से थोड़ा कम, क्योंकि 15 से 12 है ना। बट मैंने वो फिर डिसीजन लिया और मेरी लाइफ का वो सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वो पूरा फिर गेम ही चेंज हो गया था, कि घर में जैसे थे उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, और थोड़ा मुझे लग भी रहा था कि शायद मैं वो ना कर पाऊँ जो मैं सोच रहा हूँ, और लेकिन वहाँ गए टीचर्स की गाइडेंस में फिर चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो गई, और वो मैं बताता हूँ वो कैसे। मैंने वही कहा कि आपका पेपर 1 महीने पे बहुत डिपेंड करता है, जो लास्ट का मंथ है। तो मैं ये कहूँगा एक सबसे अच्छा अप्रोच जो हो सकता है, जैसे मैंने स्विमिंग वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ पे उसको आपको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना है। आपको अगर मैं इस मूवमेंट में हूँ तो मुझे इस मूवमेंट में रहना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये ना सोचूँ कि कल मेरा एग्जाम है या कल मैंने कोई गलती की थी, कि अभी मेरा कोई शाम को मॉक टेस्ट है। मैं अगर इस मूवमेंट में हूँ, अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बात करूँ, उसमें इंडल्ज रहूँ। मतलब स्टूडेंट को मूवमेंट में रहना सीखना होगा, वो जिस मूवमेंट पे है, जिस मूवमेंट पे हमारी ब्रीथिंग, क्योंकि ब्रीथिंग इज समथिंग जो हमेशा मूवमेंट पे रहती है, तो आप ब्रीथिंग पे फोकस करें, आप उस मूवमेंट में आए। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपने मूवमेंट सुधार लिया तो यही मूवमेंट आगे जाके पास्ट हो जाएगा, है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एनजाइटी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आगे की सोचते हैं तो पीछे की सोचते हैं। मतलब जैसे कल कोई टेस्ट दिया था, उसमें कम मार्क्स हैं, तो आज भी उसी के बारे में सोचे कि कल कम मार्क्स आए थे, है ना। और अगर सपोज दैट नीट का पेपर 2 हफ्ते बाद है तो ये सोचे कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो ये क्यों सोच रहे हो, जस्ट बी ऑन द मूवमेंट, क्योंकि नीट का भी पेपर उसी मूवमेंट में होगा, है ना। तो चीज़ें इस मूवमेंट से नहीं जाने वाली हैं, तो आपको अभी फोकस करना है। तो मैं 1 महीने इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गया था कि जो सामने में पढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन लगा रहा हूँ, उसी पर फोकस करता था। मैं नीट के बारे में नहीं सोचता कि हाँ नीट है, मैं सोचता था नीट भी ऐसे ही होगा, जो मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ उससे क्या ही अलग होगा, ऐसे ही होगा, मूवमेंट पे ही होगा। तो एनजाइटी होगी ही नहीं, फिर आपको फिर आप अच्छे से पैकअप भी कर लोगे और हो भी जाएगा पेपर। और ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ, मतलब खुद को मूवमेंट पे लेके आओ, मतलब खुद के पहली बात तो थॉट्स को कम करो, मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा थॉट्स से मैशअप नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि आपको योगा को अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए। आई एम प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस सिंस माई 9th क्लास एंड दैट्स वाई मैं थोड़ा सा कूल रहता हूँ अपने मूवमेंट, मतलब जो भी मुझे करना होता है अपना फोकस अपने अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग डाइवर्ट कर सकता हूँ कि मुझे जिस पे फोकस करना है, जैसे स्टी पे करना है तो स्टी पे, आपसे बात करना है तो आपसे बात करने पे, कोई पेपर लगाना है तो उस पे। सो दिस इज समथिंग स्टूडेंट शुड इंक्लूड इन देयर रूटीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ नीट के लिए तो ना, ये तो लाइफ टाइम है ना, तो आपको कूल रहना है, रिलैक्स रहना है। हालांकि हम बोलते तो हैं कूल रहना, रिलैक्स रहना, लेकिन वो आता ही है, वो तो आता ही है, वो नेचुरल चीज़ है। तो वही चीज़ स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि ये नेचुरल चीज़ है। अगर उसे एंजाइटी हो रही है तो वो ये सोच सकता है ये तो नेचुरल है, तो वो कूल रहेगा कि हाँ ये तो नेचुरल होती है। राइट। तो मुझे याद है कि मैंने अपने टीचर को कहा था, 2-3 दिन रह गए थे नीट के, मैंने उनको कहा था कि सर मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, क्योंकि होती है। तो टीचर ने कहा कि नीट कुछ नहीं होगा, 3 घंटे की मूवी की तरह होगा, तुम चले जाना, देख के आ जाना। तो मैं थोड़ा सा हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, 3 आवर की मूवी की तरह है। फिर मैंने क्या किया, फिर भी लेकिन एंजाइटी थी, तो मैंने सोचा मैं कोई कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वे सोचा कि एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम एक जस्ट पीस ऑफ पेपर होता है, और एग्ज़ाम में क्या होता है ना, सिर्फ आप जिस क्वेश्चन पे, मैं सबको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूँगा कि इस बात पे फोकस करें कि एग्ज़ाम में क्या होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा सामने, आपको एंटायरली उस पर फोकस करना है। अगेन मैं ये कहूँगा, आपको ये नहीं सोचना है कि आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और पीछे आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आप इस पे फोकस करें, जब आगे चले जाएं तो पीछे वाले पे ना सोचें, क्योंकि अगर आप मिक्सअप करेंगे ना तो फिर आपको एग्जाम काफी लेंथी लगने लगेगा। एक क्षण में ही अगर आप वहाँ से अगर नेगेटिव में जाते हैं ना, आगे का पिक्चर खराब होने लगता है। यही चीज को बचाने के लिए फिर वो बोलते ना कि अच्छा बच्चा था लेकिन फिर भी पेपर में गिर गया, तो वो इसलिए हो जाता है कि वो ज्यादा सोचता है इधर उधर, तो जिस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन पे रहे। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग वे बनाया था कि एग्जाम क्या है, जैसे बहुत से लोग पबजी वगैरह खेलते होंगे। मैंने बाद में स्टार्ट किया नीट के बाद खेलना ये सारे गेम्स वगैरह, क्योंकि एक्सप्लोर तो करनी चाहिए। तो उस समय लेकिन मुझे पता था, तो मैंने ये बनाया था कि एग्ज़ाम क्या है, जैसे नीट में 200 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमें 180 करने हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक बैटल ग्राउंड है एग्ज़ाम, जिसमें आपके सामने एक एनिमी आता है, एक एनिमी एक ही बार में आएगा और आप सोल्जर हैं, मतलब आप गेम के हीरो हैं। सो आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको उससे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि इसे अभी करें कि नहीं करें। और ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उससे लड़ रहे हैं तो फिर लड़ें, ऐसा नहीं बीच में छोड़ के चले जाएं और वो कहानी बिगड़ती है। तो आप ऐसे इमेजिनेशन करें कि एक बैटल ग्राउंड है जहाँ पे 200 एनिमीज हैं, आप हीरो हैं एंड आपके पास एक बार में एक ही एनिमी आएगा, ऐसा नहीं कि 10 लोग आ रहे हैं, एक बार में एक ही आएगा। और आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको उससे भिड़ना है कि नहीं भिड़ना। अगर भिड़ना है तो फिर आप उसे कंप्लीट करके आगे जाएंगे, मार दे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, हाँ सॉल्व करके आपको आगे जाना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे, मतलब मैं उसे थोड़ा गेमिफाई कर रहा था एग्जाम को, ताकि मुझे उससे डर ना लगे। और लिटरली मुझे फिर जब मैं जा रहा तो मुझे डर नहीं लगा, मैं सोचा आई एम अ सोल्जर, मुझे सबको हेडशॉट करके आऊंगा आज तो। ग्रेट। और आपने मतलब इतिहास रच दिया। ग्रेट गुड। मतलब ऐसा माइंडसेट आप रखेंगे ना प्लेफुल, तो आपको डर नहीं लगेगा प्रिपरेशन के दौरान भी और एग्जाम के दौरान भी, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और मुझे तो आज भी मतलब थोड़ा सा मतलब मिस करता हूँ कि हम नीट में प्रिपेयर करते थे, कैसे तैयारी करते थे, तो थोड़ी सी मिस रहता है, पार्ट करते हैं उसमें तो करते ही हैं। राइट, ग्रेट। तो हमने पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दीपक से समझा, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उसे टेकल आउट करना है, कैसे मेंटल हेल्थ के बारे में समझना है, बहुत सारी चीज़ों को जाना। एंड आई होप कि आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे और आप भी दीपक जैसे एम्स में जा पाएं। तो कुछ रैपिड क्वेश्चन पूछेंगे एंड दिस इज अ सेक्शन इज फनी सेक्शन, तो बिल रियलिस्टिक आंसर चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको नाम आपका चेंज करना हो तो आप कौन सा नाम रखेंगे और वही नाम क्यों रखेंगे? ओके, अगर मुझे अपना नाम चेंज करना है तो मैं दीपक से रियूजाकी रख लूँगा। कौन सा? रियूजाकी मैं इसलिए रखूँगा, चाइनीज़ नेम। या यू आर करेक्ट। एक्चुअली एक एनिमे है, बहुत से लोगों ने देखी भी होगी, डेथ नोट। तो उसमें मेरा जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वो रियूजाकी है, जो एक डिटेक्टिव है। तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस नेम। ग्रेट। अच्छा, पूरे साल में आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला? पिछले साल जब नीट की प्रिपरेशन करते थे ऐसा कोई सीन देखा हो, मज़ा आ गया हो? ये कैसा क्वेश्चन? नहीं, मतलब होता है नहीं, आपने पड़ोसी को कुछ देख लिया या अपने दोस्त को कुछ देख लिया या कहीं कुछ ऐसा सीन देखा? हाँ, कोरोना काल में तो वैसे भी हम लोग मतलब मेरे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने बहुत सारे सीन देखे थे। पुलिस वाले कहते थे कि तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, बट नहीं होने देंगे कोरोना। तो ऐसा कुछ मतलब सीन इंटरेस्टिंग सीन। जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन बताता हूँ, एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लूँगा, मतलब मेरी बैचमेट का था। अच्छा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब वो पूरे दिन पढ़ता था। मतलब मैं रात को अगर 3 बजे पानी भी लेने के लिए उठूँगा ना तो मैं देखूँगा अरे वो पढ़ रहा है लाइट जला के। अच्छा। और मतलब अगर वो 2 मिनट के लिए सो जाएगा ना, उसकी पलक भी लग जाएगी तो अचानक से उठ जाएगा और फिर किताब पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि क्या है भाई। ग्रेट। अच्छा, किस टाइप का जॉब आपको पसंद है? जॉब मतलब आपका ड्रीम जॉब क्या हो सकता है और जो आपको बहुत मजा आए, फैसिनेटिंग करे, अट्रैक्ट करे? मतलब समथिंग रिलेटेड टू माय फैंटेसी। मतलब या बेसिकली आई वुड लाइक, मैं ट्रैवलर बनना चाहूँगा। तो डॉक्टर है यार, ट्रैवलर क्या? नहीं, एज अ पैशनेट अबाउट। अच्छा, ट्रैवलर बनना चाहूँगा। मतलब आई जस्ट वुड लाइक टू एक्सप्लोर एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका फेवरेट फूड क्या हो सकता है कि मतलब आपको रोजाना चाहिए? रोजाना अच्छा, समथिंग विच आई कैन लीव विदाउट, मतलब कि आप उसे लीव नहीं कर सकते। अच्छा, आई लव पेटीज पेटीज मतलब रोजाना स्कूल में भी वो रहती थी, मतलब हमेशा अपने खाते पेटीज खाते। तो थैंक यू दीपक, बहुत अच्छा लगा, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो एक छोटा सा गिफ्ट है पूरे अनअकैडमी टीम के और एक कैमोमाइल टीम के तरफ से। और ये गिफ्ट लीजिए प्लीज़। और कुछ अपने स्टूडेंट को टैग कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं जो हमारे साथ फिर से आएँ और अपने जर्नी को शेयर करें, जिससे हमारे पूरे नीट के एस्पिरेंट को फ़ायदा मिल सके। ओके, सो बेसिकली मैं अपनी एक फ्रेंड को टैग करना चाहूँगा, विष्णु विवेक, जो यहाँ आए और अपनी जर्नी को सबको बताए। थैंक यू फॉर द आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस और बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये नीट एस्पिरेंट के लिए। और दीपक रियली, अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने भी आपसे बहुत सारा चीज़ सीखा और मैं वाकई बताने वाला हूँ स्टूडेंट को। लास्ट टाइम में अगर आपको बहुत कम में मैसेज देना है नीट एस्पिरेंट को, क्या देंगे जिससे वो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके और नीट को क्रैक कर सके? ओके, सो हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि फाइनल क्या हो सकता है, क्योंकि बताने में बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो नीट है उसके सब आप ये ना समझें कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। बेसिकली एक एग्ज़ाम नहीं है, जब आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब आप पढ़ना खुद से सीख रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, तो आपको इस प्रिपरेशन को पॉजिटिव वे में लेना है। मतलब इसी तरीके से लेना है कि हम कुछ सीख रहे हैं एंड एंड रिजल्ट जो भी आए, चाहे वो सक्सेस में आए चाहे वो फेलियर में आए, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक इट एज अ समथिंग विच इज़ फॉर योर लाइफ। ये सिर्फ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो इट इज नॉट एन एग्जाम बेसिकली। सो मैंने आपको बताया कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।